का सभी का यहाँ पर जो कॉलोनी के सभी लोगों ने जो है सहयोग किया है, समिति यहाँ पर उनका जो धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सपना देखा है तो मेरी नजर में आदरणीय मंगल सिंह जी ने देखा है, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर आदरणीय मंगल सिंह जी का। हमारे आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री राकेश मोहन लखिला जी, जो कि वर्तमान समय में मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता सर। आदरणीय श्री वीरेंद्र मिश्र जी समाज सेवी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम। हमारे बीच में जो भी जनता यहाँ पर उपस्थित है, हमारे माताएं बहने दर्शकगण यहाँ पर मौजूद है, उनसे हमारा आग्रह है कि आप लोगों को पता है कि कोई भी कलाकार की जो दिल की जो सबसे बड़ी पूर्ति होती है वो तालियों से होती है। तो आप सभी लोग जो भी कलाकार हमारे यहाँ पर आता है और प्रस्तुति देता है उसके लिए आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले भावना आ जाए अपना सरस्वती वंदना लेकर। खिलकर बिखर जाते हैं गुलशन के, कुछ फूल खिलते हैं खिलकर बिखर जाते हैं, कुछ अधखिले ही रह जाते हैं, कुछ फूल जिनके आने से महक जाता है सारा उपवन, ऐसे हर एक पुष्प को मेरा सत्सत नमन, मेरा सत्सत नमन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय बाबा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। हम 25 देशों में दिया प्रोग्राम उत्तराखंड रत्न सम्मान आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा जिन्हें है प्राप्त, संगीत की ऐसी हस्ती है वो मिला तभी उन्हें उत्तराखंड रत्न सम्मान आदरणीय बाबा सुभाष सिंह जी, साथ में उनका साथ देंगे उभरते हुए तबला वादक जसविंदर सिंह और जस्सू। सभी आए हुए मंदिर परिसर में सम्मानित व्यक्ति सभी को बहुत बहुत आभार कि आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए ताकि लोगों को संस्कृति का पता लगे। तो मैं आपके सामने 5 मिनट का ये गीत गा रहा हूँ, बाकी तो बच्चों का हमें सुनना है। तो गाने को तो गाते रहे बहुत देर तक, दो चार लाइनें पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गाना मैं पहली बार गा रहा हूँ, मैं मेरा अपना लिखा हुआ उत्तराखंड का गीत है ये। तो एक पहाड़ से दो दोस्त अपने सिर पे बक्से रखकर शहर की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। एक बकरी चुगाने वाला उनको मना करते हैं। और इमोशनल गीत है, बड़ा प्यारा गीत है, मैं पहली बार गा रहा हूँ नवीन के कहने पर, क्योंकि नवीन सिंह बिस्ट तकरीबन 6-7 साल से मेरे साथ हैं, संगीत आश्रम में आते हैं और बड़े उत्साहित लड़का है ये, बहुत होनहार है और अपनी मेहनत के बलबूते पे इन्होंने क्रिकेट में अपना नाम किया और बहुत बड़ी कला है इनके पास में एंकरिंग की। स्टेज पर किसी भी आदमी को दो शब्द बोलने पड़े उसे पसीना आ जाता है, पर बोलने की कला इनके पास बाखूब है। और बड़े शहर में हो तो अच्छी कमाई है, पर अपना घर होता है, अपने घर की आधी रोटी भी अमृत के समान होती है।
मैं 2-3 मिनट का गीत गा रहा हूँ ताकि हम बच्चों का प्रोग्राम सुन सकें। वो जो जा रहे हैं शहर की तरफ, तो बकरी वाला कहता है, उत्तराखंड वासियों अभी गला रियाज नहीं किया कुछ भागा दौड़ी की वजह से, नीचे सुरती में गा रहा हूँ, उत्तराखंड वासियों देवी भूमि वासी। अब ईटों का काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, पहाड़ों में आवाज बोलती है, मजा आता है। उत्तराखंड वासियों में अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले गई है, बॉम्बे चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, तुमको उत्तराखंड में एक दिन आना ही पड़ेगा। अब ये पहेली है, कहाँ आना पड़ेगा आप बताएं, नवीन बिष्ट जी इसको पुरस्कारित करेंगे कि उत्तराखंड में हमें कहाँ आना पड़ेगा। उत्तराखंड वासियों बैठ गया।
पहले सीखना पड़ता है कम से कम 12 साल। आजकल लोग क्या करते हैं, कंट्री में जाते हैं, मैं एक दो साल में गाना, 5-6 महीने में गाना सीख लूंगा, तो कैरी बैग हाथ में होता है कि इसमें डाल दो गुरु जी, जो कुछ डालने में घर जाओ। नींद होती है झूला झुलाना स्वरों को, मुर्गी होती है ये शुरू की होती है और ये पहाड़ की म्यूजिक में है हो गाते रहेंगे तो बच्चों का सुने हमने उनको गाती रहते हैं। और नवीन जी ने पहले बता दिया कि बहुत यात्रा करी, इतनी हवाई जहाजों की यात्रा की है, अब प्रोग्राम आता है तो डर जाते हैं, अभी हमने बहुत घूम लिए तो रहने दो। और मैंने जो गाया था, उत्तराखंड वासियों देवभूमि निवासियों पर्वत छोड़ के मत जाना, गए तो पड़ेगा तुम्हें फिर आना, आप बताएं हाथ खड़ा करके कहाँ आना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ। नवीन जी बताइए कहाँ आना पड़ेगा, नवीन जी बता देते हैं, चलो आप बता दो, इनको तो मालूम ही है, ये कहते हैं अपने पैतृक गांव में आना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। आप में से कोई बताइए कहाँ आना पड़ेगा, जहाँ पितरों का गांव है वहीं जाना पड़ेगा, बाद में नवीन जी बताएंगे, आप में से कोई है बताओ कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा, कहाँ, उत्तराखंड में तो हम है ही, उत्तराखंड छोड़ के गए, मैं बता दूं पैतृक गांव आना पड़ेगा, मेरे गांव आना पड़ेगा उत्तराखंड, हमने पैतृक गांव में आना पड़ेगा, और सबके अपने अपने विचार हैं। हाँ, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आप कहीं भी चले गए आपको हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा। ये उत्तर मैंने पहले सही बता दी, मैं आप थोड़ा भूल गए, ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको उत्तराखंड हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद, एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।
आज एक वर्ष हो चुका है अपने इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए, और हम सब पूर्व में एक वर्ष पहले भी आए थे, अच्छा कार्यक्रम हुआ था। इस मंगलमय वातावरण में उपस्थित सभी, ये वीरों की भूमि है, मैं तो कुंडेश्वरी को वीरों की भूमि कहता हूँ। यहाँ पे सब लोगों ने देश की सेवा करी है किसी ना किसी रूप में। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी ऐसे जन, मेरी बहनें, मेरी मातृशक्ति, मेरे पितातुल्य लोग जिनकी उंगली पकड़ के हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे समाज में सेवा कर रहे हैं, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। ये वो व्यक्ति हैं जो आपके सामने अभी आए हैं, मलखीत सिंह जी हैं। इनका मैं जो है अपने समिति के अध्यक्ष रमेश चंद मंगाई से अनुरोध करता हूं कि हमारे मंच पर आके मलखीत भाई का जो है फूलमालाओं से स्वागत करेंगे। निर्माण कार्य में भी इन्होंने एक क्रेशर जो है, अपने जो है एक ट्रॉली क्रेशर जो है इन्होंने जो हमारे पास रेता दिया था, ये हम इनके लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका।
आज मनाओ घर खुशियां बेटी ने घर जन्म लिया आज मनाओ घर खुशियां बेटी ने घर जन्म लिया पढ़ लिख कर बेटी डॉक्टर बन जाए पढ़ लिख कर बेटी डॉक्टर बन जाए पुरुषों की भी जान बचाए जीवन सफल हो जाए बेटी ने घर जन्म लिया धन्यवाद।